नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी एसएससी जीडी 2024 के लिए मैथ का एक शानदार चैप्टर जो होने वाला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि हम पढ़ रहे होंगे। और ये लाभ और हानि की है वो मैराथन क्लास होने वाली है। देखिए, इस क्लास में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके लाभ और हानि से पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सभी टाइप्स को हम यहां पर कंप्लीट कर रहे होंगे। और जैसे मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ है कि इससे बाहर कोई भी टाइप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी आपके एग्जाम में। तो ये क्लास है वो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। अगर आप एसएससी जीडी में मैथ में स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इस क्लास को बड़े ही ध्यान से देखना है। समझाने की गारंटी मेरी है, बस क्लास देखने की गारंटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसी टाइप नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए, कोई भी ऐसी टाइप नहीं होगी जो हमने ना करवाई और एग्जाम में आ जाए। सारी चीजें बड़े ही आसानी से सिखाते हुए चलेंगे। अगर आप चाहे मैथ में जीरो हो, आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता हो, तब भी आप मैथ को बहुत आसानी से सीख कर एसएससी जीडी में आप स्कोर कर रहे होंगे। तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि अगर आपके सपने आपको बुला रहे हैं, अगर आपके सपने आपको बुला रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप में उन्हें पूरे करने की क्षमता है, यानी आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो योग्यता है जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जो अपने सपनों की उड़ान है उसको पूरा कर सकते हैं। और अभी आप सभी का सपना या बोलने की लक्ष्य जो बना हुआ है वो ये है कि मुझे एसएससी जीडी में जॉब लेनी है और जो मेरी फौजी बनने का सपना है उसको पूरा करना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। देखिए, इसका नाम है लाभ और हानि, तो इसका मतलब है कि इसमें लाभ और हानि की तो बात हो रही होगी, यानी प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही होगी। अब ये लाभ और हानि होता कहां से है, कैसे होता है, पहले उसके ऊपर बेसिक बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, इसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका क्रय मूल्य, ठीक है, जिसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, यानी सीपी बोला जाता है। दूसरा होता है आपका यहां पर विक्रय मूल्य, जिसको आप सेलिंग प्राइस बोल सकते हो या इसको एसपी बोला जाता है। और तीसरा होता है आपका अंकित मूल्य, जिसको मार्क प्राइस बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, क्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य बोला जाएगा, और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य बोला जाएगा। क्या इतना समझ में आ गया? और जो उस वस्तु के ऊपर अंकित किया गया रेट होगा, जो मूल्य होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? अंकित मूल्य या मार्क प्राइस बोला जाएगा। अब बात करें लाभ की, कि यह लाभ कब होता है। तो लाभ होता है आपका जब भाई कम रुपए में वस्तु को खरीदा जाए, यानी उसका क्रय मूल्य कम होना चाहिए और विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए। कम में वस्तु को खरीदा और ज्यादा में वस्तु को बेचा तो क्या होगा? उसका लाभ होगा। इसीलिए लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य जितना ज्यादा होगा उतना ही लाभ ज्यादा होगा। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जितना ज्यादा होगा उतना ही लाभ क्या होगा? ज्यादा होगा। अब इसके बाद लाभ के साथ दूसरी चीज क्या आती है? दूसरा आता है अपना हानि। दूसरा क्या आता है? हानि। हानि कब होगी? जब भाई वस्तु को ज्यादा रुपए में खरीदा जाए और कम रुपए में बेचा जाए। तो इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य है वो अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो, तब आपकी क्या हो रही होगी? तब आपकी हानि हो रही होगी। ये समझ में आ गया? अब यहीं से निकलता है जो मेन आपके काम आने वाला है, जो सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, वो है आपका
लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत जब भी हमें निकालना होगा तो उसके लिए हम ऊपर लिख रहे होंगे लाभ हो रहा है तो लाभ, और अगर हानि हो रही है तो हम हानि लिख रहे होंगे। बटे में हमें लिखना है दोस्तों क्रय मूल्य और गुना में प्रतिशत के लिए 100। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर लाभ हो रहा है तो लाभ को ऊपर रखेंगे, हानि हो रही है तो हानि को ऊपर रखेंगे, और बटे में क्रय मूल्य लिखेंगे और गुना में 100 लिखेंगे तो हमारा लाभ या हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। ये इसकी बेसिक नॉलेज है। अगर आप ये समझ गए तो समझ लो कि आपने थोड़ा सा स्टेप लगा लिया है इस चैप्टर की तरफ आगे बढ़ने के लिए। इस चैप्टर को सीखने के लिए जो पहला स्टेप होता है, पहली सीढ़ी है, वो आपने पार कर ली है। तो चलिए अब हम बेसिक क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम और सारी चीजें सीखते हुए चलेंगे। तो कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप आराम से बैठे रहिए और जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं उन पे आपका फोकस होना चाहिए, आप सब कुछ सीख जाओगे। क्या है पहला क्वेश्चन क्या है अपना, किसमें बोला गया है कि एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था, यह अपने को बताना है। देखिए अपने को बताया गया कि 64,000 पे बेचने पर 20% की हानि हुई है, तो इसका मतलब कार का मूल्य कितना था भाई, 100% था। अब इसमें से 20% अगर हम हानि घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने में कार को बेचा गया है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? भाई कार का मूल्य, किसी भी चीज का मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ये मैंने आपको प्रतिशत वाली क्लास में समझाया था, 100% है, उसमें से 20% क्या हो गई, हानि हो गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पर कि उसका मूल्य निकल के आ जाएगा कि कितने में हमने बेचा है। जब हानि हो रही होती है तो हम उसको 100 में से माइनस करके लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हानि है, हानि का मतलब होता है कमी, यानी कम हो रहा है, और लाभ का मतलब होता है ज्यादा, यानी ज्यादा हो रहा है, जोड़ हो रहा है। इसलिए लाभ को जोड़ के लिखेंगे 100 में से और हानि को 100 में से घटा के लिखेंगे। यानी कि अब जो हमारी कार है उसको कितने में बेचा गया है, 80% में, और यहां पर रुपए में कितना दिया गया है, 64,000 रुपए में दिया गया है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि 80% का मान कितना है, 64,000 रुपए है। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो उस कार का लागत मूल्य कितना था। तो अभी तो हमने बात की थी कि लागत मूल्य कितना था, 100% होता है, तो 100% का मान हमें निकालना है। 80% बराबर ये हो गया, 1% बराबर हो जाएगा इसके बटे में 80, हमें 100% का मान निकालना है, तो यहां पर गुना में क्या हो जाएगा, 100। क्या इतना सभी को समझ में आ गया? आप देखिए काट दीजिए, अगर आप इसको 20 से काटे हो तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, उसके बाद 4 से इसको काट दो तो कितने पे चला जाएगा, ये 16,000 पे कट जाएगा, और 16,000 गुना में हमें 5 करना है, तो अगर 16,000 को हम 5 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना, 80,000 रुपए आ रहा होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतना बेसिक सभी को समझ में आ गया? भाई 100% कार का मूल्य था, उसमें से 20% की हानि हुई, इसका मतलब कार को 80% में बेचा गया, और इसमें बताया गया है कि कितने में बेचा गया है, 64,000 रुपए में। इसका मतलब 80% का मान हो गया 64,000, 1% का मान हो जाएगा 64,000 बटे 80। हमें लागत मूल्य निकालना था जो होता है 100% होता है, तो 100% का मान हमें निकालना था, जो हमारा निकल के कितना आ गया, 80,000 रुपए आ गया, जो हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। दूसरा बेसिक क्वेश्चंस हम यहां पर करते हैं। हर क्वेश्चंस के साथ हम एक नई चीज सीख रहे होंगे भाई, धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे, धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ते हुए चलेंगे, तभी हम छत तक पहुंच पाएंगे, टॉप तक पहुंच पाएंगे, और बीच में सीढ़ियां छोड़ोगे ना तो फिर गिरने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो क्या है कि 300 रुपए के 100 सेव खरीदे गए,
उनमें से 4 सेव सड़े हुए थे और शेष सेव को 50 रुपए प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, तो निबल लाभ कितना था, यानी रुपए में आपको बताना है कि उसका लाभ कितना हुआ। ठीक है भाई, 300 रुपए में खरीदे, लेकिन कितने सेव खरीदे उसने, 100 सेव खरीदे, ये हमें बताया गया है। कितने सेव खरीदे, 100 सेव, उसमें से 4 सेव सड़ गए, तो सड़े हुए सेव कोई नहीं खरीदेगा, तो इसका मतलब 4 सड़ गए हैं, तो अभी हमारे पास कितने सेव बचे हैं, तो हमारे पास बचे हैं दोस्तों 96 सेव बचे हैं। कितने सेव बचे हैं, 96 सेव, लेकिन हमें बोला गया है कि इन जो 96 सेव बचे हैं उनको 50 रुपए प्रति दर्जन पर बेचा गया है, प्रति दर्जन पर। एक दर्जन में कितने सेव होते हैं, 12 सेव होते हैं, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, इस बात को भी याद रख लेना, एक दर्जन बराबर होता है 12, तो इसका मतलब एक दर्जन बराबर 12, तो अगर 96 में करेंगे तो कितना दर्जन निकल के आ जाएगा, ये 8 दर्जन सेव हमारे पास निकल के आ जाएंगे, कि कितने सेव थे, 8 दर्जन। जब एक दर्जन को 50 रुपए में बेचा गया तो 8 दर्जन को कितने रुपए में बेचा जाएगा दोस्तों, 400 रुपए में बेचा जाएगा, क्योंकि 50 गुना 8 करेंगे 400, क्योंकि एक दर्जन 50 रुपए का, तो 8 दर्जन कितना हो गया, 400 रुपए का। खरीदा कितना था हमने, 300 रुपए में खरीदा था, बेचा कितना है हमने, 400 रुपए में बेचा है, तो ज्यादा में बेचा है ना भाई, 300 में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ, और कितने रुपए का लाभ हुआ, मैंने आपको बताया था कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हम माइनस कर देंगे, तो क्या करेंगे, 400 माइनस 300 कर दो, यानी 100 रुपए का क्या हुआ है, हमें लाभ हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई, समझ में आ गया कैसे हमने किया। इसमें जो याद रखने वाली बात थी वो ये थी कि भाई ये दर्जन में 12 होते हैं, 100 सेव थे, उसमें से 4 खराब हो गए हैं या सड़ गए हैं, तो अब हमारे पास कितने बचे, 96 सेव, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो कुल कितनी दर्जन सेव हो गए हमारे पास, 8 दर्जन सेव हो गए, एक दर्जन 50 रुपए का बिकता है, तो 8 दर्जन 400 रुपए के बिकेंगे। 300 में खरीदा 400 में बेचा, तो क्या हो जाएगा, 100 रुपए का लाभ हो जाएगा। बस हमसे सिर्फ सिंपल लाभ पूछा था कि लाभ कितने रुपए का होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,800 रुपए है, यदि हानि प्रतिशत 33% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। क्या बताना है हमें, विक्रय मूल्य बताना है, और क्रय मूल्य हमारे पास दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वस्तु का मूल्य कितना था, 100% था, उसमें से कितने की हानि हो गई, 33% की हानि हो गई, ये हमें बताया गया है, और मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि हानि को हम 100 में से माइनस करके लिखते हैं। इसका मतलब उस वस्तु को कितने में बेचा गया है, 67% में बेचा गया है, क्योंकि 100 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 67% बचेगा, तो ये क्या है, इस मूल्य में बेचा गया है, तो हमें विक्रय मूल्य बताना है कितना है। तो क्रय मूल्य कितना है अपना, 5,800 है, ये है 500, इसके 67% में बेचा गया है, तो इसका 67% निकाल दो। 67% कैसे निकालोगे, 67% हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा। अब क्या करो, इन दोनों का गुना, दो जीरो से दो जीरो कट गई, अब ये दोनों बच गए, इन दोनों का गुना कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, एक तो होता है गुना करना, दूसरा थोड़ा सा तरीका मैं आपको बताता हूं कि भाई अगर गुना करने में थोड़ा समय लग रहा है तो आप कैसे कर सकते हो, कि अगर हम 7 को 8 से गुना करेंगे तो 7 × 8 क्या होता है, 56 होता है, तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या आने वाला है अपना, 6 आने वाला है। ऑप्शंस में देख लीजिए, अगर सिर्फ एक ही ऑप्शंस में इकाई का अंक 6 दिया गया है, इसका मतलब वही हमारा आंसर हो जाएगा, और अगर भाई 2 में दिया गया तो फिर हमें गुना ही करना पड़ेगा। यहां पर हम देखेंगे, ना इसमें दिया गया, ना इसमें, ना इसमें, सिर्फ इसमें दिया गया है, तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, और अगर इन दोनों का गुना करोगे
तब भी आपका यही आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, ये आपको मैंने बोला ना कि ये छोटे छोटे स्टेप है, अगर इनको सीखते हुए चलेंगे तभी हम बहुत अच्छे से परफेक्ट बन पाएंगे और पेपर में हम स्कोर कर पाएंगे। गुना कर लो, गुना करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई समय भी बचाना है। आपको पता है ना कि समय बहुत कम मिलता है और क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए, अब हमने बेसिक क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, अब हमारी टाइप नंबर फर्स्ट आती है। क्या आ गई हमारी टाइप नंबर फर्स्ट आ गई है, और अब टाइप नंबर फर्स्ट से वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं जो आपके पेपर में सीधे क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अब हर एक टाइप पे अलग टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे हम, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली टाइप का पहला ही क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैथ का सबसे पहले सोल्व करने का एक ही रूल होता है, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आधा आपका वहीं पे सोल्व हो जाएगा। क्या है कि एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 में और एक रेडियो 750 रुपए में खरीदा। तो 2000 रुपए में खरीदा है और रेडियो कितने में खरीदा है भाई, 750 रुपए में खरीदा है, यह हमें बोला गया है, ठीक है। यदि टीवी के 20% लाभ पर, अब टीवी को है वो 20% के लाभ पर और रेडियो को 5% की हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो खरीदा कुल कितने में भाई, 2000 रुपए में इसको खरीदा, 750 रुपए में इसको खरीदा, तो यानी 2750 रुपए में टोटल खरीदा गया है सामान। अब जो पहला सामान है उसको क्या कर रहा है, 20% के लाभ पर बेच रहा है। 20% का लाभ, इसका मतलब 100 में से जोड़ के लिखेंगे, यानी जो भी था उसके 120 में बेच रहा है, जो मूल्य पहले था उसके 120 में बेच रहा है। क्यों, 20% का लाभ है, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120। तो यानी कि ये हमारा जो 2000 था इसके, इसको 120% में बेच रहा है, तो प्रतिशत हटाने के लिए बटे में हम 100 लिख लेंगे। दूसरी तरफ क्या है, हमारा रेडियो है जिसको क्या हुआ, 5% की हानि पर बेचा जा रहा है। हानि का मतलब 100 में से माइनस करके लिखेंगे, यानी इसके 95% में बेचा जा रहा है, तो इसको 95/100 लिख देंगे। बस इसको सोल्व करना है और हमें पता चल जाएगा कि टेलीविजन है वो कितने में बेचा गया है, रेडियो है वो कितने में बेचा गया है। तो भाई दो जीरो से क्या होगी, दो जीरो कट गई, यहां से करेंगे तो 12 दुनी 24, तो 2400 रुपए में क्या है, इसको बेचा गया है। इधर करके देखिए भाई, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 से काटोगे तो 19/95, ठीक है। बस इन दोनों का गुना करो और 2 से भाग करो, हमारा निकल के आ जाएगा। इसको गुना करने का मतलब है कि भाई इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 में 75 कम करो, 1425 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 1425/2, तो इसको भाग देंगे तो 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, यानी 712.5 रुपए में इसको बेचा गया है। क्या इतना सभी को दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल ठीक है दिख रहा है, यानी इसको इतने रुपए में बेचा गया, तो 2400 रुपए में इसको बेचा गया है, प्लस में 712.5 में इसको बेचा गया है, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया, 5, यहां से कितना आ जाएगा, 2, यहां से 1, 1 और 3, यानी 3112.5 में बेचा गया है। खरीदा कितने में गया था, 2750 में, तो इसमें से ये माइनस कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि लाभ कितने रुपए का हुआ। देखिए, कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा गया तो क्या होगा, लाभ होगा, तो यानी हानि तो हो ही नहीं सकता। क्या हो जाएगा कि आपका हानि तो हो नहीं सकता, बस इसमें से ये माइनस कर दो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 3112 में से अपने को कितना माइनस करना है, 2750 माइनस करना है, तो इधर से तो 5, इधर से तो अपना 5 ही रहेगा, इधर से कितना आ जाएगा आपका, 2, 11 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 6, ठीक है, 10 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा, 3,
यानी 362.5 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या इतना सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो यही क्या हो गया, अपना उत्तर भी हो गया। देखिए बिल्कुल बेसिक से समझाते हुए चल रहा हूं, और जैसे जैसे सीखते हुए चलोगे आपकी स्पीड इंक्रीज होती रहेगी, आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, ठीक है। और जब पेपर में करोगे तो उस समय देखना आप कितने धुआंधार तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हो। बहुत ही आसानी से सिखा रहा हूं ताकि हर एक स्टूडेंट सीख जाए, हमारा हर एक चैंपियन मैथ में स्कोर करने लग जाए। समझ में आ गया? अब दोबारा तो इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं लगती मुझे, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखे क्या है। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है ये कि श्री वाई ने एक फ्लैट 9,25,000 रुपए में खरीदा और इस पे 35,000 रुपए खर्च कर दिए। कितने खर्च कर दिए भाई? इसमें 35,000 रुपए खर्च कर दिए और इसको 10,80,000 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये हमें बताना है। तो भाई 9,25,000 में क्या किया उसने? खरीदा, ओके, प्लस में 35,000 रुपए उसने खर्च कर दिए नवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब होता है रंग पेंट करने में, पुताई करने में, लिपाई पुताई करने में, ठीक है। तो कितने रुपए खर्च कर दिए उसने? 35,000 रुपए खर्च कर दिए। इसका मतलब टोटल 9,60,000 रुपए उसको टोटल खर्चा आया है उस फ्लैट के लिए। अब बेचा कितने में है? 10,80,000 में। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 10,80,000 में से अगर हम कितना 9,60,000 माइनस कर लें तो हमें पता चल जाएगा कितना ज्यादा में बेचा है, और जितने ज्यादा में बेचा है उतना ही क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो यहां से भाई 4-0 तक तो 4-0 आने वाली है, इधर से 2 और इधर से 1, यानी 1,20,000 रुपए का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लेकिन हमसे यहां पर लाभ नहीं पूछा गया है, हमसे लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या बताया था मैंने कि जितना लाभ होगा उसको लिखेंगे, तो ये अपना लाभ है इसको लिखेंगे, इसके बटे में हमें क्या लिखना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है। स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, ये लिख देते हैं, नहीं आपको ये लिखना है क्योंकि उसका टोटल खर्चा ये आ गया है, तो इसका मतलब टोटल जो उसको फ्लैट पड़ा है ना वो इतने रुपए में पड़ा है, तो अपने को ये वाला लिखना है। तो ये लिखेंगे अपना 9,60,000 हम यहां पर लिखेंगे, प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे, 4-0 से 4-0 कैंसिल, 12×96। अब 4 से काटो 4×2×8, 4 से काटो 25 पे, कितना आ गया आपका 25/2 आ गया, और इसको करोगे तो 12.5% आपका यहां पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, उसको 12.5% का लाभ हुआ। जिसको अगर थोड़ा सा भी डाउट है एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि किसी को भी कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए। भाई 9,25,000 में खरीदा, 35,000 रुपए उसने खर्चा कर दिया, तो टोटल 9,60,000 रुपए में उसने उस फ्लैट को पूरी तरीके से तैयार किया, फिर उसको 10,80,000 में बेच दिया, तो इसका मतलब उसको लाभ कितना हुआ भाई? 10,80,000 में से 9,60,000 माइनस कर देंगे तो 1,20,000 रुपए का उसको लाभ हुआ। लेकिन अपने को लाभ प्रतिशत निकालना था, तो लाभ अपने को हमने ऊपर लिखा, नीचे उसका टोटल खर्चा था वो लिखा, और गुना में हमने 100 लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12.5% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, जल्दबाजी में ये मत लिखना, आपको यही लिखना होता है टोटल खर्चा, ठीक है, जितने में वो पूरा फ्लैट पड़ा होता है। जैसे सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाते हैं दुकानदार, तो वो सब्जी जो खरीदी वो और उसको लाने का जो खर्चा होता है दोनों को जोड़ा जाता है, फिर उस पर फायदा कमाया जाता है, ठीक है, समझ गए? बस इतने समझदार बन जाओ कि मैं जो चीजें बता रहा हूं वो सीख लो, बाकी सिखाने की गारंटी मेरी है, बस समझते हुए चलो। ये देखो अगला क्वेश्चन,
कि एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 के 50 जोड़ी जूते बेचे, 10,000 रुपए में 50 जोड़ी जूते बेचे, प्रत्येक जूते की कीमत इतने रुपए थी, उस कंपनी को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? कितना प्रतिशत नहीं पूछा, कितना लाभ हुआ रुपए में बताना है, ठीक है? प्रतिशत में नहीं बताना, रुपए में बताना है कि कितना उसको लाभ हुआ है, ठीक है? इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो यह है कि भाई 10,000 को 50 से भाग करोगे, 200 रुपए एक जोड़ी का मूल्य आ जाएगा, और 189.50 में बेचा जा रहा है, यानी कितने का लाभ कमाया जा रहा है, वो लाभ बटे में क्रय मूल्य लिखोगे तो फिर क्या आ जाएगा, आपका लाभ आ जाएगा, ठीक है? कि भाई उतने का लाभ हुआ, तो ये आपको करना पड़ेगा जोड़ी के साथ कि एक जोड़ी पे इतने का लाभ हो रहा है, टोटल 50 जोड़ी बेचा गया तो कितना लाभ होगा, प्रतिशत नहीं निकालना ना अपने को। तो ऐसे दूसरा तरीका ये है कि भाई आपको ये पता है कि इतने में एक जोड़ी बनी है अपनी, 189.50 में एक जोड़ी बनी है, तो अगर हम 50 जोड़ी का मूल्य निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा कि कितने में वो जोड़ी बनी है। तो भाई जीरो जो जीरो है वो तो क्या हो जाएगी, दशमलव से कैंसिल हो जाएगी, बस इसको 5 से गुना कर दो, आपका यहां से आ जाएगा। तो अगर हम इसको 5 से गुना करें तो 5×5=25 कितना आ गया, 2×45 और 2×47 कितना आ गया, 4×40 और 4×44 कितना आ गया, 4 और 5 और 4 9, यानी 9,475 रुपए में क्या हुआ, वो जोड़ियां हमारी बन के तैयार हुई। बेचा कितने में गया है, 10,000 रुपए में। तो अगर 10,000 रुपए में से 9,475 माइनस कर ले, जो कितना बचेगा, 525 बचेगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाएगा कि इतने में वस्तुओं को हमने खरीदा था और इतने में बेच दिया, ठीक है? तो 525 रुपए हमारा यहां पर लाभ निकल के आ जाएगा। क्या समझ में आ गया, ठीक है? दूसरा तरीका कौन सा है भाई, ये तो मैंने सिखा दिया है, ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि भाई 10,000 रुपए की क्या है, जोड़ियां खरीदी, 50 जोड़ियां थी, तो एक जोड़ी कितने रुपए की पड़ी आपको, 200 रुपए की, 200 रुपए की एक जोड़ी क्या गई, बेची गई है। अगर 189.5 में क्या है, उस वस्तु को खरीदा गया था, तो कितने का लाभ हुआ भाई, 200 में बेचा गया है इतने पे, तो एक का लाभ निकाल लो, तो यहां से कितना आ जाएगा, 50 पैसे का आ जाएगा, ठीक है? इधर से कितना आ गया, 50 पैसे, 9 में से यहां से जीरो, ठीक है? यहां से जीरो आ गया और यहां से एक आ गया, यानी 10.5 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो 50 से इसको गुना कर दो, 50 से भाई एक पे क्या हुआ है, 10.5 रुपए का हुआ है, तो 50 से 10 पे 500 का, तो ये हो जाएगा, और 50 पे आधे के हिसाब से 25 का ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 525 रुपए का हो जाएगा लाभ। कैसे भी कर लो, आंसर सेम आने वाला है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सोल्व कर रहे हो, या आपके दिमाग में पेपर में किस तरीके से क्लिक हो रहा है, जिस समय जो भी आए उस हिसाब से कर देना। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है? चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है वो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है। क्या है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये आपका बड़ा ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है। ध्यान से देखना अपना कि एक चावल क्या हुआ, चलो एक चावल व्यापारी 5,632 रुपए में 16 क्विंटल चावल खरीदता है, ठीक है? इससे पहले कि हमने सारे कर लिए ना, बिल्कुल ठीक है। एक चावल व्यापारी 5,632 रुपए में 16 क्विंटल क्या करता है, चावल खरीदता है, और 20% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाता है। 20% चावल है वो परिवहन करने में, यानी वहां से लाने पे गुम हो गया, खराब हो गया, जो भी समझ लो। गुम होने का मतलब क्या होता है कि जिसमें सामान लाया जा रहा था वो बोरी या कट्टा फट गया, और जिससे क्या हुआ कि वाहन से वो सामान गिर गया, तो वो क्या हो गया, गुम हो गया, ठीक है? तो 20% उसमें खराब हो गया। यदि उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए
कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए ये अपने को बताना है। देखिए कि भाई 5,632 रुपए में चावल खरीदा था उसने, ठीक है, कितने में खरीदा, 5,632 रुपए में चावल खरीदा, लेकिन वो क्या चाहता है कि 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, यानी कि जिस मूल्य पर उसने चावल को खरीदा था उसके 125 में उसको बेचना चाहता है। तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लो, 125 निकाल लो कि इसका 125% कितना होता है, ठीक है, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 से काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 अंठे 32, बस गुना कर लो आपका आ जाएगा, 5 से गुना करोगे तो 5 अंठे 40 आ गया, 5 चौके 20, 2 5 और 2 7, यानी 7,040 रुपए में क्या बेचना चाहता है कि जो भी उसने चावल खरीदे थे उनको 7,040 रुपए में बेचना चाहता है, ठीक है। लेकिन उसने खरीदे कितने थे, उसने 16 क्विंटल चावल खरीदे थे, लेकिन उसमें से क्या हो गए, 20% खराब हो गए, तो इसका 20% खराब हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, इसको भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 एक बच गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि क्या हुआ, जैसे हम पहले करते हुए आ रहे हैं ना, आपको 2 बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी इसमें, इस वाले तरीके में 2 बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। भाई 16% 16 क्विंटल चावल था, उसमें से क्या हुआ, 20% चावल खराब हो गया, तो 100% चावल था उसमें से 20% अगर खराब हो गया तो इसका मतलब चावल कितना बचा है हमारे पास, 80% बचा है, उसी को तो बेचेंगे, तो डायरेक्ट इसका 80% निकाल दो। अब उस 20% में क्या था कि 20% निकालोगे फिर जो आएगा उसको 16 में से माइनस करना पड़ेगा तब निकल के आएगा, और यहां से अपना क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, ठीक है, तो क्या हो गया, 16 चौके 64/5 हो गया, तो 5 एकम 5, ठीक है, कितना बच गया, 14, 5 दूनी 10, 5 अंठे 40, ठीक है, तो यानी 12.8 केजी क्या हुआ है, चावल बचा हुआ है, कितना चावल बचा हुआ है, ये अपना कितना बचा हुआ है दोस्तों, 12.8 केजी बचा हुआ, बेचना कितने में है, 7,040 में, 7,040 रुपए में बेचना है, कितना, 12.8 को, तो 0.5 हटेगा ऊपर 0 चला जाएगा, तो यहां पर 1 क्विंटल का मूल्य है वो अपना निकल के आ जाएगा। चलो इसको काट लेते हैं, फिर मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। चलो करते हैं, पहले इसको करते हैं, इसको अगर किससे काटे, 4 से काटो तो 4 3 12, 4 2 8, और अगर इसको 4 से काटोगे तो कितने में जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है, 30 बच गया, 4 7 28, 4 6 24, ये कट गया, उसके बाद क्या कट रहा है, ठीक है, किससे काट दे इसको, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 कम 16, ये 55 पे कट गया, तो इसका मतलब 55 गुना 10, 510 रुपए पर क्विंटल आपका आंसर हो जाएगा, 550 रुपए पर क्विंटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतना सभी को समझ में आ गया, लेकिन ये आपको बहुत बड़ा लग गया कि बहुत बार हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, ये तो सीख गए होगे ना। अब इसी से देखिए, इसी से बनता है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक बनो, स्मार्ट ट्रिक बनो, चैंपियन ट्रिक बनो, वो बेसिक से ही बनती है। अब इसको थोड़ा शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं, पहले इसको रब कर देते हैं तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है भाई, आपको इतना पता है कि कितने में खरीदा गया था, 5,632 में चावल खरीदा गया, ठीक है, उसका क्या कर रहा है कि 25% का लाभ चाहिए, इसका मतलब है कि उसको 125% में बेचना है, तो प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 लिख देंगे, इतने में बेचना है, इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतने में बेचेंगे किसको, जो हमारे पास चावल बचा हुआ उसको, अगर 16 क्विंटल था उसमें से क्या हुआ कि 20% कम हो गया,
16 का 20% कितना हो जाएगा, 3.2 होता है, क्योंकि 16 दूनी 32, तो 2 के बाद दशमलव लगेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 3.2 है वो कम हो गया, खराब हो गया। तो 16 में से 3.2 कम करोगे तो कितना बच जाएगा आपका, 12.8 बच जाएगा। तो इसका मतलब इसमें है ना टोटल 12.8 चावल को हमें बेचना है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुना करना पड़ेगा, बस सिर्फ अपने को इतने को सोल्व करना है और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। काट देते हैं 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ठीक है। उसके बाद उस तरीके से ही काट लेते हैं, किससे कट जाएगा ये, 4 से काट लो, 4 3 12, 4 2 8, इसको 4 से हमने काटा था, 4 1 4, 4 चौके 16, 4 8 32, उसके बाद कितने से काटा था हमने इसको, 4 से ही काटा था क्या या 8 से, बताओ किससे काटे, चलो इसको क्या है, 2 से काटा था शायद, अरे किसी से काट लो, वही बात आने वाली है, 4 से काट लो इसको, तो 4 8 32, ठीक है, और इसको 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 5 20, 4 2 8, ठीक है। उसके बाद ये कट रहा है क्या, ये 8 चौके 32 हो गया, 32 से काटो, 32 से कम 32, 32 से कम 32, ठीक है, 8 चौके 32 बचा हुआ ना, काट दिया हमने, 11 5 55, और 55 को 10 से गुना करोगे तो 550 रुपए आ जाएगा, 550 रुपए पर क्विंटल आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऐसे आप इतने में ही कैलकुलेशन कर सकते हो, जो पिछले में पूरा भर गया था ना बोर्ड, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तब आपका ये हो रहा होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चंस बीच में छूट तो नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है इसमें, क्या करनी है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, सेम वैसा ही है कि एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9000 रुपए में खरीदता है, कितनी कपास खरीद रहा है, वो खरीद रहा है 500 किलोग्राम कपास खरीद रहा है, कितने रुपए में खरीद रहा है, 9000 रुपए में। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है, बारिश हुई जिसके कारण क्या हुआ कि 10% खराब हो गया, ठीक है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर पर बेचना पड़ेगा, ये अपने को बताना है। सेम जो हमने ये शॉर्ट वाला तरीका किया था ना, इसी से हम इसको करेंगे, ठीक है, आप बड़े वाला नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी एक बार बेसिक्स था जो आपको समझाना था, अब पेपर में हमें डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व करना है, भाई कितने रुपए में खरीदी कपास, 9000 रुपए में, बेचना कितने में चाह रहा है, 10% के लाभ पर, तो यानी इसके 110 में वो बेच रहा होगा, ठीक है, इसके कितने में बेच रहा होगा, वो 110 में इसको बेच रहा होगा, ठीक है, यानी इस मूल्य पर बेचना है, बेचेंगे कितना कि भाई 10% खराब हो गई तो 500 का 10% डायरेक्ट निकाल सकते हो, कितना होता है 500 का 10%, 50 होता है, अरे ऐसे निकालोगे ना कि भाई 500 है 10% निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, कितना आता है 50 आता है, यानी 50 किलोग्राम खराब हो गई, 500 में से 50 खराब हो गई, कितनी बची, 450, तो हमें 450 को ही बेचना है, बस अब गुना कर दो, अपना आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 3 जीरो से क्या हुआ, 3 जीरो अपनी कैंसिल होगी, 9 5 45, 5 से इसको काटो, 22 5 110 होता है, तो 22 रुपए पर केजी आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगर कोई भी डाउट हो आप आंसर भी चेक कर सकते हो, आंसर भी आपके दिए गए हैं, ठीक है। क्या सभी को समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से आपको यहां पर कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी, बस पहला क्वेश्चन ने हमें, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, थोड़ा समय लगाया ताकि उस क्वेश्चन को सीखे, अब उस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखेगा हम आसानी से सिर्फ इतने में उसको सोल्व कर लेंगे, ये होता है चैंपियन वाला तरीका, मेहनत करने वाला। इसलिए बोलता हूं आपको कि क्लास को पूरी देखा करो, अगर क्लास को पूरी देखोगे तो बहुत सारी चीज सीख जाओगे, और अभी तो सिर्फ क्लास की शुरुआत हुई है,
ठीक है, अभी तो हमें बहुत सारी टाइप्स और सीखनी है। अभी तो हमारी टाइप नंबर टू आई है, ठीक है, टाइप नंबर टू की हमारी यहां पर शुरुआत होती है। टाइप नंबर दूसरी है, देखिए आप टाइप नंबर दूसरी पे चलते हैं। इस टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं और उनको बड़े ही प्यार से, बड़े ही आसानी से हम सोल्व करेंगे। क्या है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% की हानि पर बेची। एक व्यक्ति ने क्या हुआ कि एक वस्तु 20% की हानि पर बेची। अब देखिए, अब बार बार 100-20 ऐसे करके नहीं लिखना, अपने को डायरेक्ट सोल्व करना है, डायरेक्ट घटा देना है बिना लिखे हुए कि भाई 20% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 100 में से 20 कम कर लो, 80% में वो वस्तु को बेच रहा है। ठीक है, इतना समझ गए, ठीक है। यदि वह उसे 200 रुपए ज्यादा पर बेच पाता, ध्यान से सुनना इस टाइप को, पहले क्वेश्चन को समझ लो, दूसरा आपके लिए आसान बन जाएगा और तीसरा तो और भी आसान बन जाएगा। 20% हानि पर बेचा तो यानी 80% में बेचा। यदि वह उसे 200 रुपए पर ज्यादा पर बेच पाता, 200 रुपए ज्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिलता। 5% का लाभ मतलब 105, तो 105% में बेचता हूं तो इससे कितना ज्यादा है ये यहां से, तो भाई 20 और 5 25% ज्यादा है। कितना ज्यादा हो रहा है ये, 20 और 5 25% ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये 25% ज्यादा किस वजह से हो रहा है, ये 200 रुपए की वजह से हो रहा है। इसका मतलब 25% का मान हमारे पास आ गया, जो कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी वस्तु का लागत मूल्य कितना होता है, 100% होता है। इसका मतलब हमें 100% का मान निकालना है। 25% बराबर 200 है, 1% बराबर हो जाएगा इसके बटे में 25, और 100% का मान अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा यहां पर, गुना में 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना यहां पर, गुना में 100 हो जाएगा। 25 चौके 100 और 200 चौके 800, तो इसका मतलब उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 800 रुपए था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। क्या समझ में आ गया। दूसरा तरीका यहीं पे कैलकुलेशन छोटी करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 25% बराबर हमें 200 दिया गया है, अब हमें 100% निकालना है जो इसका 4 गुना है, तो उसी तरीके से इधर भी क्या कर देंगे, 200 का 4 गुना कर देंगे जो कितना हो जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी इसी क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में हम सारी चीजें सीख लेते हैं ताकि दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते समय बहुत आसान बन जाए और थोड़े से समय में हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। यहां पर एक चीज देखो, अब हमें यह घटाने की भी जरूरत नहीं है, जोड़ करने की भी जरूरत नहीं है कि भाई 105 में 80 घटाओगे तब आएगा, नहीं। इधर याद रखना, यहां पर हानि दी गई है और यहां पर लाभ दिया गया है, इसका मतलब दोनों अलग दिए हुए हों, चाहे ऊपर लाभ दिया हो, ऊपर हानि दी हुई हो, नीचे लाभ दिया गया हो, नीचे हानि दी गई हो, लेकिन दोनों अगर अलग हो, मैं इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अगर दोनों अलग हो तो जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, हमेशा जोड़ देंगे। देखो 20 और 5 जोड़ा तभी तो 25 आया था। फिर अपने को डायरेक्ट क्या है, 25 का मान 200 लिखना है, ये ना ये लिखने की आवश्यकता ना ये लिखने की आवश्यकता। और अगर दोनों सेम होंगे, ठीक है, बाई चांस सेम भी दे देता है, और अगर सेम होंगे तब दोनों को आपस में घटा देना है, जो बड़ा वाला होगा उसमें छोटे वाला माइनस कर देना है, जो आएगा उसके बराबर यहां पर दिया हुआ होगा उसको हम लिखेंगे। क्या इतनी बात समझ गए। चलो समझ गए तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं आप कितना समझे हो, देखते हैं कितना समझे हो। ये आ गया कि किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपए अधिक मिलते हैं। क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, कि 8% लाभ पर बेचने पर 8% हानि के मुकाबले 28 रुपए अधिक मिल रहे हैं,
तो इधर हानि और लाभ दिया गया है, पहले लाभ और फिर हानि दोनों अलग हो गए, तो इसका मतलब 16% हो गया, और 16% बराबर कितना हो गया, 28 रुपए हो गया। हमें बाल्टी का लागत मूल्य निकालना है, तो लागत मूल्य क्या होता है, 100%, 16% बराबर इतना, एक बराबर कितना हो जाएगा इसके बटे में 16। अब बराबर में एक और 100 भी हमें नहीं लिखना, डायरेक्ट ही लिख देंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़े स्टेप को हमें काटते हुए चलना है और पेपर में जल्दी 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 आंसर करना है, तभी तो बोल रहा हूं पूरी क्लास देखो, स्टेप आपके छोटे करते हुए मैं चलने वाला हूं। तो यहां से ना अपने को एक लिखना ना 100 लिखना, पता है एक लिखेंगे तो बटे में आएगा, 100 लिखेंगे तो गुना में 100 जाएगा, ऊपर गुना में 100 लिख दो। 4 चौके 16, 4 से काटो 25 पे, 4 से काटो कितने पे, 7 पे, 25 आता कितना होता है, 25 आता होता है आपका 175, तो इसका मतलब 175 आपका आंसर हो जाएगा। 175 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यहां पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर से। और एक बार समझा भी देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा और समझा देता हूं। ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि भाई 8% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 108 में बेच रहा है, 8% की हानि पर मतलब 92% में, इधर 108% में, ठीक है। अरे हट जा भाई, ठीक है, ये कितना है 108%, अंतर कितने का है भाई, 100 से ये 8 ज्यादा, 100 से ये 8 कम, तो 16% का ही तो अंतर हुआ, तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था कैसे लिखना है, ठीक है। अब बताओ पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा, तो ये शॉर्ट बन गया और बहुत जल्दी हमने निकाल लिया। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत हुई बातें, अब इसको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है, अब इसको निकाल के दिखाओ सभी स्टूडेंट। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपए की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2.5% हानि में बदल जाता है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। चलो बताओ भाई, ये लाभ दिया गया है, हानि दी गई है, 5 और 2.5 कितना हो गया, 7.5, 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/2 लिख सकते हैं, 7.5 को 15/2 कैसे लिखा, 7.5, तो 7 × 14 और प्लस में 1 कितना लिखा, 15/2, ये 15/2% हो रहा है किसकी वजह से, 12 रुपए की वजह से, तो 12 रुपए, 1 बराबर होगा 15/2 और बटे के बटे में होता है वो ऊपर चला जाता है। लागत मूल्य निकालना है मतलब 100 का मान निकालना है। यहां पर एक बात सीखने वाली है, वो सीख लो कि जो बटे के बटे में होता है, क्योंकि 12 के बटे में हम 15/2 लिखते हैं, 15/2 लिखते तो बटे के बटे में हो गया, तो 2 क्या चला गया, अपना ऊपर चला गया, सिंपल भाषा में इतना समझ लो बस। और गुना में 100 तो हमें लागत मूल्य के लिए लिखना ही होता है, बस काट दो आंसर आ जाएगा। 3 चौके 12, 3 × 5 = 15, 5 से काटो 20 पे, 20 × 2 = 40 और 40 चौके 160 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या बताओ सभी को यह बात समझ में आ गई, क्या ये टाइप आप सभी को समझ में आ गई, अब जब भी पेपर में आएगी बहुत आसानी से और बहुत स्पीड से आप इसका आंसर कर दोगे ना, तो चलो मुझे विश्वास है कि आप सभी कर दोगे, तो इसका आप करके दिखाओ। जब आपको भी विश्वास हो गया, मुझे भी विश्वास हो गया, तो इसको करके दिखाओ कि एक वस्तु को 11% हानि के बदले 7% के लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 720 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आप सभी निकालोगे और इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। देखिए बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है और मुझे तभी पता चलेगा कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो, आप भी मेरे साथ साथ मेहनत करके चीजों को सीख रहे हो, अपने पेपर के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। और अभी तो देखिए शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अगर बचे हुए सारे दिन आप मेरे साथ मेहनत करते हो तो मैथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैथ में आपका पूरा स्कोर होने वाला है, जितना आप चाहते हो, जितने अच्छे से आप करना चाहते हो उतने अच्छे से आप कर पाओगे, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन कंटिन्यू अगर आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हो तो आप ये सारी चीजें सीख जाओगे, ठीक है।
चलो अब चलते हैं हमारी अगली टाइप पे, और जो टाइप होने वाली है टाइप नंबर 3 होने वाली। टाइप नंबर तीसरी हम यहां पर कर रहे हैं, टाइप नंबर तीसरी है वो हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। टाइप नंबर तीसरी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी को बेचना चाहती है। हर टाइप का एक क्वेश्चन अच्छे से समझा करो, दूसरे से निकालने की कोशिश किया करो, और तीसरे से तो आप खुद निकाल लोगे, ये तो मेरा वादा ही है। देखो कि पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी को बेचना चाहती है, इसका मतलब 20% का लाभ मतलब 120% में वो घड़ी को बेचना चाहती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 100% में उसने उस घड़ी को खरीदा होगा। लागत मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है, तो 100% में खरीदा और 20% के लाभ पर बेचना चाह रही है, मतलब 120 में बेचना चाह रही है। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ध्यान देना, थोड़ा दिमाग यूज करना, आसानी से निकल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग यूज कर लो। आगे देखो क्या है, उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी। कितने पे खरीदी? 10% कम पर, यानी 100 में खरीद रही थी, 10% कम कितना हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा, यानी उसने 90% में घड़ी को खरीदा। क्या हो गया कि भाई क्या है, 90% में खरीदा, क्योंकि 100 में खरीद रही थी, अब वो उसने 90 में खरीदा, 10% कम में, और 30 रुपए कम पर बेची। यहां पर प्रतिशत नहीं दिया गया, यहां पर बोला है कि 30 कम पर बेची, 30 रुपए है ये, ठीक है, कि 30 रुपए कम पर बेची। प्रतिशत में देता तो हमारे लिए आसान बन जाता, लेकिन इसने क्या बोला कि 30 रुपए कम में बेची, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर भी उसे 20% का अभिलाभ हुआ। इसका मतलब है कि अब उसको 20% का लाभ हो रहा है। अगर कोई वस्तु आप 90 में खरीदो, अभी तो उसने 90 में खरीदी है ना, तो 90 में वस्तु को खरीदो और 20% का लाभ चाहिए, तो इसका मतलब आप कितने में बेच रहे होगे उस वस्तु को, कितने में बेच रहे होगे आप ये बताओ कि भाई 90% में आपको खरीदी और 20% का क्या चाहिए आपको, उस पर लाभ चाहिए। तो इसका मतलब है कि 90 का 20% कितना होता है, 18। भाई 90 है, उसका अगर आप 20% निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसमें 18 जोड़ोगे, तो इसमें 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 108%, ठीक है, कितना हो जाएगा, 108%, मतलब 108% में बेची है, ठीक है। तो हमें घड़ी का लागत मूल्य निकालना है। आपको यहां पर कहीं पर भी रुपए नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ हमें 1 रुपए दिखाई दे रहे हैं, 30 रुपए। लेकिन ये 30 रुपए कहां से आए हैं कि जितने कम में बेची है, जितने में वो बेचना चाह रही थी उससे जितने कम में बेची है वहां से 30 रुपए हमें प्राप्त हुए हैं कि 30 रुपए कम में बेची है। 120% में बेचना चाह रही थी, जो घड़ी का मूल्य था ना उसके क्या, 120 में बेचना चाह रही थी, लेकिन बेचा कितने में उसने, 108 में। तो इसका मतलब कितने कम में बेचा, 12%। तो 12% कम में बेचा, रुपए में कितना दिया हुआ है, 30 रुपए। तो 12% का मान हो गया 30 रुपए, 1 का मान हो जाएगा इसके बटे में 12। लागत मूल्य निकालना है जो 100% होता है। 3 से काटो 10 पे, 3 से काटो 4 पे, 4 से काटो 25 पे, और 25 × 10 कितना हो गया, 250 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 रुपए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया, थोड़ा बहुत डाउट है, मैं अभी दोबारा क्लियर कर देता हूं, किसी को कोई डाउट नहीं छूटेंगे। भाई 100 में कोई वस्तु को खरीदा उसने, ठीक है, 120% के लाभ पर बेचना चाह रही थी, तो 120 में बेचना चाह रही थी उस वस्तु के मूल्य के 120% में, लेकिन उसने 10% कम में खरीदा, यानी वस्तु को 90 में खरीदा, और इसके 20% लाभ पर बेचना चाह रही है, तो इसका 20% लाभ कितना हो गया, 18 हो गया, यानी वो 108 में बेचना चाह रही है, ठीक है। अब 120 में बेचना चाहती थी, 108 में बेचा है, तो कितने प्रतिशत कम में बेचा है, 12% कम में बेचा है। रुपए में कितना कम दिया गया है कि 30 रुपए कम में बेचा है,
तो इसका मतलब 12% बराबर क्या हो गया, 30 रुपए हो गया। हमें मान किसका निकालना था, लागत मूल्य का निकालना था, 100% का मान निकालना था, जो हमने आसानी से निकाल दिया, जो हमारा कितना निकल के आ गया, 250 निकल के आ गया। क्या सभी को ये टाइप समझ में आ गई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको इसको सीख लिया है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, एक वस्तु है वो 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती, यदि वही वस्तु 536.25 रुपए में बेची जाती तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है कितना। ठीक है भाई, 14% लाभ पर बेची जाती है, इसका मतलब क्या हो गया, 114% में बेची जाती है, और अगर इसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो क्या होता, 8% की हानि उठानी पड़ती, तो इसका मतलब 92% में वो बिकती। दोनों का अंतर कितना होगा, ये तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया कि दोनों अलग अलग है, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22%। यानी 22% में वस्तु को बेचा जाता और उस कम में बेचा जाता और 121 रुपए कम की वजह से, जो ये अंतर आया ना 22% का, वो किसकी वजह से आया है, 121 रुपए की वजह से आया है। अब देखिए अगर आप इसको अलग तरीके से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हमारे पास इस बार प्रतिशत कॉमन नहीं दिया गया, इस बार हमारे पास रुपए हैं कि भाई एक तो ये रुपए दिया गया है और दूसरे ये रुपए दिया गया है। अगर आप देखिए इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, 22% बराबर इतना, इसका हम 100% निकाल लेंगे जो हमारे पास लागत मूल्य आ जाएगा, फिर ये वाला निकालना है कि ये उसका कितना प्रतिशत रहता है, 100 से ज्यादा होगा उतना लाभ, 100 से जितना कम होगा उतनी हानि, ये हमें करना होता है तो उसमें काफी समय लग जाएगा। दूसरा ये है कि हमें ये पता है कि 121 रुपए 22% का मान है, तो हम ये निकाल ले कि 536 है वो कितने का मान है, तो हमारा आंसर इधर से भी निकल जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिखने की बजाय आप ऐसे लिख सकते हो कि 121 रुपए बराबर कितना है, 22% है, 1 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, इसके बटे में 121 हो जाएगा, मान किसका निकालना है हमें, 536.25 का, तो इसका मतलब ये कहां चला जाएगा, 536.25 ऊपर चला जाएगा, और दशमलव हटाने के लिए बटे में हम 100 लिख देंगे, क्योंकि 2 के बाद दशमलव था तो हटाने के लिए 2 जीरो लगेंगे। क्या इतना सभी को समझ में आ गया? मैं बता रहा हूं अब हर एक टाइप का हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होने वाला है, उस टाइप से थोड़ा बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, लेकिन हर क्वेश्चन में हम नई चीज सीख रहे होंगे, क्योंकि ये एग्जाम में अलग अलग तरीके से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज से आते हैं, तो हमें सब कुछ सीखना है, हर एक टाइप का क्वेश्चन हमें सीखना है जो आपके एग्जाम में आता है। तो बस अब इसको सोल्व करना है और अपना आंसर निकल के आ जाएगा, तो सोल्व कर लीजिए, इसको काटेंगे 11 से काट दो, 11 से 11 पे कटा तो 11 से 2 पे कट गया, ठीक है, उसके बाद क्या ये 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है क्या, 11 से काट के देखते हैं तो कट जाएगा, चलो मेरे हिसाब से काट के देखते हैं, कट ही जाना चाहिए, 11 चौक 44 तो यहां लिख लेते हैं 11 चौक 44, ठीक है, उसके बाद कितना बच गया आपका 9, उसके बाद 96 आ गया, 11 8 88 तो 96 में से अपना 88 गया तो कितना बचा, 8 बच गया, 82 आ गया, 11 7 77 82 में 77 5 पे गया, ये आ गया, ठीक है ये आ गया, और 2 तो गुना में ऊपर से है ही और बटे में 100 है, बस इन दोनों का गुना कर दो और दो जीरो के बाद दशमलव लगा दो, तो चलो करते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, कितना हो गया भाई, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 हो गया, 7 दूनी 14 और 1 15 सॉरी कितना हो गया, 5 दूनी 10 1, 7 दूनी 14 और 1 15 1 16 और 1 कितना हो जाएगा आपका 17, 1 और 8 1 9
और दशमलव लगा दो तो कितना आ गया 97.5% आ गया, क्योंकि इधर अपना क्या था प्रतिशत ही था ना, तो 97.50% आ गया। 100 से जितना ज्यादा उतना लाभ, 100 से जितना कम उतनी हानि। तो 100 से अगर 97.5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, और 100 से कम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपकी हानि हो जाएगी, 2.5% की हानि। कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। जल्दबाजी में मत करना, लाभ और हानि दोनों दिए गए हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, बस इस कैलकुलेशन को करना था, स्मार्ट बनोगे थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, इसमें आप मुझे नहीं लगता कुछ समझाने वाला है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक है, बस कैलकुलेशन ही मेन थी इसमें, तो बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये वाला देखो, ये वाला अगला क्वेश्चन है अपना कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है, यदि यह वस्तु यदि वह इस वस्तु को 660 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 8% का लाभ होता। तो सबसे पहले क्या है कि हानि और लाभ है तो दोनों को जोड़ लेंगे, 16 और 8 कितना हो गया 24%, और 24% किसकी वजह से आया है, ये 660 रुपए की वजह से आया है। इतना बस लिख लेंगे, इतनी पूरी लैंग्वेज का हमने इतना बना दिया, जो हमने सीखा था ना वो आसान बन रहा है ना उसकी वजह से बस। तो देखो इतनी लैंग्वेज का हमने इतना छोटा सा बना दिया, बस लास्ट वाली लाइन को अब हमें सोल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज हो रहा है, अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तब कि 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, अब लागत मूल्य नहीं पूछा, अब पूछा 12% का लाभ चाहिए, तो 12% का लाभ मतलब 112 में वस्तु को बेचना चाहता है, 24 का मान हमारे पास है ही। ठीक है, इधर ही हट जाएगा क्या, चलो इसको रफ ही करना पड़ेगा, कितना है अपना 24% का मान कितना है अपने पास 660 है, 1% का मान इसके बटे में 24, मान किसका निकालना है 12% लाभ का, तो मतलब 112 का मान निकालना है, तो 112 का मान निकाल। ठीक है, जितने से एक अट्रैक काट दो, 6 से काटोगे तो 4 पे, 6 से काटोगे तो 110 पे, 4 से एक कट रहा है क्या, कट जाएगा 4 × 8 और 4 × 8 = 32, बस इसको गुना कर दो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, इसको गुना कर दो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आंसर निकल के आ जाएगा आपका, तो कितना होगा भाई, ये कितना हो जाएगा, चलो कर लो यार इसको, 28 8 0 3 0 3080, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गुना करते ही। ठीक है, कितना आ जाएगा 3080, ऑप्शन नंबर ए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था ये। ठीक है, इतना तो आप सीख चुके थे, 18 से 24 24% बराबर इतना दिया गया था, हमें 112 का नाम मान निकालना था, तो वो कितना हो जाएगा आपका 3080 निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारी अगली टाइप पे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन अपना कि ए नहीं है ये ने है। ठीक है, ए ने साइकिल बी को, देखिए ये टाइप है ना बहुत ही शानदार है, आप इसका एक क्वेश्चन सीख लेना, उसके बाद आप आसानी से इसका आंसर करने लग जाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो इसमें नहीं होने वाली है, ध्यान से सीखना। लेकिन पहली टाइप बहुत अच्छे से सीखना कि ए ने साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, ए एक साइकिल ने नहीं यहां पर था एक था, ठीक है, ए एक साइकिल बी को 5% के लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% के लाभ पर बेचता है, तदनुसार यदि सी ने 2,310 रुपए दिए हों तो ए का लागत मूल्य कितने रुपए है, ये हमें बताना है कि ए ने कितने रुपए उसके लिए खर्च किए थे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें सबसे पहले ये नहीं पता कि ए ने कितने रुपए खर्च किए थे, तो हम मान लेंगे
कि ए ने एक्स रुपए खर्च किए थे, एक्स रुपए में उस साइकिल को खरीदा था, हमें नहीं पता तो हमने एक्स मान लिया, टेंशन मत लो, ये एक्स से कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान है ये कि एक्स है, ठीक है, एक्स रुपए में साइकिल को खरीदा था। फिर क्या हुआ कि उसने क्या किया, 5% के लाभ पर बेचा है, तो इसका मतलब 5% का लाभ मतलब इसके 105% में बेचा है, और प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है। ये किसको बेच दिया, बी को। फिर बी ने क्या किया, इस मूल्य पर साइकिल को खरीद लिया, लेकिन वो उसने सी को बेच दिया 10% के लाभ पर, 10% का लाभ मतलब 110%, और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे हम, बटे में 100 करेंगे, 110% में उसने बेच दिया। यदि सी ने 2310 रुपए दिए, अब मतलब अब कितने रुपए मिले हैं, 2310। बस इतना समझ लो, आपके लिए आसान हो जाएगा। कभी आपसे ये लागत मूल्य पूछेगा, कभी आपसे ये मूल्य पूछेगा जो जिसको सबसे लास्ट में कितने रुपए में वो वस्तु मिली है, ठीक है। एक्स रुपए में खरीदा, 5% का लाभ तो 105/100, फिर 10% के लाभ पर बेचा तो 110/100, ठीक है, बराबर कितने रुपए में बेच रहा है लास्ट वाला, उसको मिले हैं 2310 रुपए में वो मिली है, तो वो हम लिख देंगे। बस इसको सोल्व करना, अपना आंसर निकल के आ जाएगा, काट दो भाई, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ठीक है, 20/5 100 और 21/5 105, बाकी कुछ बचा नहीं, बचा तो इधर से क्या बचा, सिर्फ इधर हम x रख लेंगे, बाकी सारा दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर क्या करेंगे, सिर्फ x रखेंगे और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो बाकी दूसरी तरफ जाएगी, तो इधर क्या है, 2310 तो पहले से ही है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, आपको पता है ना, नीचे वाली संख्याएं ऊपर चली जाती हैं और ऊपर वाली संख्याएं नीचे आ जाती हैं। नीचे वाली संख्या कौन सी है, एक तो 20 है, एक 10 है, तो ये ऊपर चली गई, ऊपर वाली संख्या कितनी है, एक तो 21 है और एक 11 है, ये नीचे आ गई। अब जिससे कट रहा है उससे काट दो, तो 21 से काटो ये, तो 21 से काटेंगे, 21 से कम 21, फिर 21 बच गया, 21 से कम 21, 110, 11 से काटेंगे 10 पे, 10 से इन तीनों को गुना कर लो, तो 10 को 20 से गुना किया 200, और 200 को 10 से गुना किया कितना आ जाएगा, 2000 रुपए आंसर आ जाएगा, कि उसने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा था, 2000 रुपए में खरीदा था। बताओ आसानी से बन गया सोल्व, आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, कैसे होगी दिक्कत, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे लिखते हुए जाना है, आपको चैंपियन बनना है और मैं बना के रहूंगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने सीखा है ना, उसी के बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन करो, ठीक है, उसी के बेसिस पर। ये लाइन है वो दो बार लिख दी गई है, तो इसलिए ये हटा देते हैं, ठीक है, ये दो बार लिखी गई है। अब इतना पढ़ो और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, इतना पढ़ो और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान बन गया आपके लिए, कि ए ने एक साइकिल बी को 10% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि सी उसके लिए इतने रुपए देता है तो बताओ कितने में खरीदी गई थी साइकिल, बड़ी सस्ती है, शायद वो कबाड़ में बेच रहा है, और कबाड़ में भी इससे ज्यादा रुपए मिल जाएंगे। सबसे पहले हमने माना भाई एक्स, कि भाई एक्स रुपए में उसने खरीदी थी, ठीक है, 10% के लाभ पर मतलब 110/100, उसके बाद 20% के लाभ पर इसका मतलब क्या हो गया, 120/100, लास्ट में कितने रुपए मिल रहे हैं, 264 रुपए मिल रहे हैं, बस ये हमें लिखना है, काट दो भाई, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20/5 100 20/6 120, बाकी नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, एक्स रखेंगे 264, नीचे वाला ऊपर, 5 और 10 क्या चला जाएगा ऊपर, नीचे कौन सा आ जाएगा, 11 और 6, इनको अलग अलग लिखना, गुना करके मत लिखना, ऐसा क्यों, क्योंकि अलग अलग लिखोगे ना तो कैलकुलेशन आसान बन जाती है, काटने में आसानी होती है। अब 6 से काटो इसको, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, 11 से काटो 4 पे, 5 चौके 20, और 20 को 10 से गुना करो कितना आ जाएगा, 200, तो 200 रुपए आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। बताओ जिस स्पीड से हमने सीखा था उससे दुगनी स्पीड से आंसर निकलना स्टार्ट हो गया ना। चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन आपको देता हूं जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये वाला बताओ, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ,
बात मैंने बता दी वही है, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं कि बाहर से आ गया, नहीं, मैंने आपको जो बताया ना वही है, बस आप उसका किस तरीके से यूज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, ए बी को एक वस्तु 10% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 7.5% लाभ पर बेचता है, सी उसे 25% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि निर्माता ए के लिए उसकी मूल लागत 3,200 रुपये रखी हो तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य दिया, ये अपने को बताना है। तो इस बार स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि लागत मूल्य आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है, ठीक है, लागत मूल्य है वो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है। तो सबसे पहले इधर लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा भाई 3,200 रुपये में क्या था, लागत मूल्य था। फिर इसके क्या हुआ, 10% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब क्या हो गया, 110/100, ठीक। उसके बाद 7.5% के लाभ पर, 7.5% का लाभ मतलब 100 में 7.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 107.5 और बटे 100, 10 हटाने के लिए क्या कर देंगे हम, यहां पर एक जीरो और लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 10 यहां से हट गया है हमारा ये, ठीक है। मैं इसका और भी शॉर्ट बता सकता हूं लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है, अपने को इतना ही लिख लेना है, बहुत आसान है ये। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर क्या बोला गया, सी ने उसे 25% की हानि पर बेचा है, हानि पर बेचता है तो इसका मतलब 75/100 हो गया। बस कैलकुलेट करेंगे अपना आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है, 25×75, 25×100 हो गया। इसके बाद इसको 5 से काटो तो 200 पे, इसको 5 से काटो, 5×2 = 10, 5×1 = 5, 5×5 = 25, 215 पे। अब इधर लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए कि 3200 है गुना में 11/10 है, आप एक बार में ही कर देना, ठीक है, 215/200 हो जाएगा और 3/4 है, ये तो मैंने इस वजह से लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप एक बार में ही काट देना, ठीक है। 3 जीरो से, 3 जीरो तो है ही नहीं, 2 जीरो है तो 2 जीरो से सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 4 से काटो 8 पे और 2 से काटो कितने पे जा रहा है, ये 4 पे जा रहा है, 2 से काटो 5 पे, ठीक है, 5 से 1 कट जाएगा, 5×20, 5×20, 5×3 = 15, उसके बाद कोई कट रहा है, 2 से 2 बचा है तो 2×2 = 4 कर दो, 11×2 = 22 हो गया और 22×3 क्या हो गया, 66, 66 गुना कितना हो जाएगा आपका, 43 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 66×43, 66 / 22×66 = 43, 6×3 = 18, तो इकाई का अंक 8 इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुना भी करने की आवश्यकता है ही नहीं हमें, ठीक है, क्योंकि 8 लास्ट में था ना तो दिखाई नहीं दे रहा था यार, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया। गुना करना चाहो तो कर सकते हो भाई, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी हो सकता है अलग आ रहा हो, चलो गुना करके दिखा देता हूं, 6×3 = 18 और 18×1 = 19, इधर से करोगे 6×24 = 24, 2×24 = 26, जोड़ लो भाई 8×3 = 8 और 2 = 28, 38 आया, ठीक है, बस कुछ नहीं ऐसे ही करना था। अगर पहले दे दिया जाए तो उसको हम यहां पर लिखेंगे, लास्ट वाला दिया जाए कि लास्ट में कितने रुपए मिल रहे हैं तो उसके बराबर के दूसरी तरफ उसको लिखेंगे, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, इसलिए मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चंस लिए थे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सीखने में। चलो अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए ने बी को 4,800 में एक घोड़ा बेचा, क्या है कि ए ने बी को 4,800 में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई, क्या हुआ, 20% की हानि हुई, ओके, बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है, क्या होता है,
कि ए को 15% का लाभ होता है तो बी को कितना लाभ हुआ ये हमें बताना है, बी को कितना लाभ हुआ ये हमें बताना है। देखिए थोड़ा अलग टाइप का आ गया, थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको ये देखने के लिए मिला है यहां से, ठीक है। ये लास्ट टाइप है इसकी, जो आपका अच्छा क्वेश्चन जो बन सकता है ना वो ऐसे बनता है कि ए ने बी को 4800 में एक घोड़ा बेचा पर उसे 20% की हानि हुई। ए ने बी को बेचा है और उसको 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब उसने 80% में बेचा और कितने में बेचा, 4800 में, खरीदा कितने में होगा 100% में, तो 100% निकालो तो इसके बटे में 80 और गुना में 100 तो क्या हो जाएगा, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से काटो 1200 और 12 पंजे 60, यानी 6000 रुपए में उसने खरीदा था। ए ने कितने रुपए में खरीदा था, 6000 रुपए में खरीदा था, ठीक है। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। अब देखो ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, कि बी है वो सी को इतने रुपए में बेचता है, इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। ए को 15% का लाभ चाहिए तो भाई ए को कितने में खरीदा, ए ने कितने में, 6000 में, इसका 15% का उसको लाभ चाहिए तो इसका मतलब कितना हो गया, यानी 900 रुपए का लाभ चाहिए उसको। कितने रुपए का लाभ चाहिए उसको, 900 रुपए का लाभ चाहिए। तो अपने को बताना है कि बी को कितना लाभ होगा, तो भाई 6000 में उसने खरीदा, 6900 में वो बेचेगा, तभी तो क्या होगा, ए को लाभ होगा कितना, 15% का। लेकिन ए का नहीं पूछा, हमसे पूछा है बी को कितना लाभ होगा, बी ने खरीदा कितने में था, 4800 में, तो इसमें से 4800 माइनस कर लो, इधर से 0, इधर से 0, इधर से 1 और इधर से 2, यानी 2100 रुपए का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा और ये डी आंसर पहले से ही आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, ठीक है। क्या बताओ, सभी को समझ में आ गया भाई, क्या सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई ना। तो ये हमारी टाइप नंबर 4 है, ये यहीं पे समाप्त होती है। अब चलते हैं हम टाइप नंबर 5 पे। तो देखिए अब अपनी टाइप नंबर 5 है और इसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले देखिए सीखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा बहुत भी नहीं सोचना, बिना दिमाग लगाए आंसर कर सकते हो, ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो हर कोई भाई पेपर पास कर लेता और हर कोई मैथ सीख लेता, क्योंकि मैथ में जो सारा खेल होता है वो दिमाग का ही होता है, ठीक है। कि एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसे 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त होती है, ठीक है, तदनुसार उसका लाभ कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, लेकिन ये समझ लो इसके कहने का मतलब है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की जो लागत है उसके बराबर लाभ होता है, तो अपने को बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये अपने को बताना है, ठीक है। तो इसको निकालने का है कि भाई 11 का लाभ हो रहा है, ठीक है, कितनी बेचने पर, 33 बेचने पर, प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे। ध्यान से सुनना, जिसका लाभ हो रहा है कि जितने का लाभ हो रहा है, 11 का लाभ हो रहा है तो 11 हमने ऊपर लिखा, कितने बेचने पर, 33 बेचने पर, तो 33 हमने बटे में लिखा और क्या हो गया, प्रतिशत के लिए 100, 11 कम 11, 11 तीय 33, कितना आ गया अपना 100/3, इसको क्या लिख सकते हो, 33 सही 1/3%, या कभी कभी इसको 33.33% भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत डाउट है वो अगले क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, इसको देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो फिर समझ में आएगा आपको, ध्यान से पढ़ो क्योंकि उसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी। इसमें पढ़ो कि दो वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है ये अपने को बताना है। ध्यान से पढ़िए क्या है, कि दो वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर
एक व्यक्ति को तीन वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, अगर वो दो वस्तु को बेच रहा है और उसको तीन वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है भाई? तीन वस्तुओं के बराबर लाभ। कितनी बेचने पर? दो बेचने पर। प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे, 2 से काटा 50 पे, और 50 गुना 3 क्या हो जाएगा? 150 प्रतिशत का क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हो ना कि 100 से ज्यादा लाभ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, आपने ये भी देख लिया होगा। ठीक है, कोई सामान होता है ना, दुकानदार दुगने से भी ज्यादा रुपए में बेचते हैं, तो उनको इस तरीके से लाभ भी हो जाता है। अपने को 800 से कोई मतलब नहीं है, 800 से कोई मतलब नहीं है। ध्यान से पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि दो वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर, एक व्यक्ति को तीन वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तीन वस्तुओं का जो लागत मूल्य है ना, उसके बराबर लाभ हो रहा है। तो तीन वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, इसलिए तीन हमने ऊपर लिखा। कितनी वस्तु बेचने पर? जितनी वस्तु बेचने पर होगा वो हम बटे में लिखेंगे। पहले हम क्या लिख रहे थे? क्रय मूल्य लिख रहे थे, जो भी हमने रटा था वो हम लिख रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि भाई अब जितनी वस्तुएं बेचेगा उतने पे उसको जो लाभ होगा वही हमें लिखना है। तो बटे में जितनी वस्तुएं वो बेच रहा है, यहां पर भी हमने क्या लिखा था? 33 लिखा था, 33 मीटर कपड़ा बेचकर, यानी जितना उसने बेचा था उसको हम क्या लिख रहे हैं? बटे में लिख रहे होते हैं। क्या इतना समझ में आ गया? फिर तो 150 तो अपना आंसर आ ही गया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और डाउट है, इससे और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इससे आपका और क्लियर हो जाएगा। फिर इससे अगला क्वेश्चन है ना, वो बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखो क्या है कि मैंने 100 किलोग्राम चाय खरीदी, इसे मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलोग्राम चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है, यानी कि जो मेरा लागत मूल्य था 40 किलोग्राम का उसके बराबर है, तो मेरे द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, उसने 100 किलोग्राम चाय खरीदी, लाभ कितने का हो रहा है? 40 किलोग्राम का जो लागत मूल्य था भाई, जो हेतु भुगतान किया गया, इसका मतलब यही है ना, उस समय मैंने जो रुपए दिए थे, तो कितने का लाभ? 40 का। कितनी बेचने पर हो रहा है? 100 किलोग्राम चाय खरीदी थी और उतनी वो बेचा है, इसे मैंने उस लाभ पर बेचा, मतलब 100 किलोग्राम को बेच दिया है, तो कितनी पे बेचा? 100 किलोग्राम बेची, उसको बटे में लिखेंगे। प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया आपका? 40 प्रतिशत क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्या बताओ, अब आपको कोई प्रॉब्लम है? अब तो कोई समस्या नहीं होगी, आप तो आसानी से सीख गए होगे कि जितनी चीजें बेची जा रही है उसको हमें बटे में लिखना है, और जितना हमें लाभ हो रहा है उसको हमें ऊपर लिखना है। चलते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, बीच में एक छूट गया, कोई नहीं, कि यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, लाभ और हानि बताना है। चलो लाभ और हानि बताना है, इसमें कितना प्रतिशत होगा? 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, चलो मैं दोनों तरीके ही बता देता हूं। 40 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है किसके? 50 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के, क्रय मूल्य के बराबर है, यही बोला है। सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे तो इधर से आ जाएगा एसपी, इसके बटे में सीपी आ गया, इधर से कितना है? 50 है, और इधर से कितना है? 40 है। यानी 40 की वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है? 50 में। तो लाभ कितने का हो रहा है? 10 का। कितने पे? 40 पे। तो गुना में 100 कर दो, 20 दुनी 40, 20 पंजे 100, और 2 से कटे 5 पे, और 5 गुना 5 क्या हो जाएगा? 25 प्रतिशत। और 25 प्रतिशत क्या होगा भाई? कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो लाभ हो जाएगा, तो 25 प्रतिशत का क्या हो जाएगा आपका यहां पर? लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है,
ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझा दिया, लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो? पेपर में अपने को जल्दी ही करना है। तो भाई 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका मतलब जो इनका अंतर होगा वो ही तो इसका लाभ होगा। तो 50 और 40 का अंतर कितने का? 10 का। बटे में क्या है, कितनी वस्तुएं बेची हैं? 40 वस्तुएं, और गुना में क्या लिखना है? 100। अब 40 क्यों लिखा, 50 क्यों नहीं लिखा हमने? अब आप सोच रहे होंगे कि बटे में 40 क्यों लिखा, 50 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बोला है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इसका मतलब है उसने बेची कितनी वस्तुएं हैं? 40 वस्तुएं बेची हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया था कि जितने वस्तुएं बेचने पर वो आ रहा होगा वही हमें बताना है, जितनी वस्तुएं बेचने पर वो आ रहा होगा ना वही हमें लिखना होता है नीचे, तो हमने 40 लिखना है। जीरो से जीरो अभी तो किया ही था, दो से काटो 50 पे, ये दो पे, इस पे काटो कितना आ गया, 25% आ जाएगा आपका। ठीक है, तो समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया, तो अगला क्वेश्चन आप खुद निकालने की ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अब खुद निकालने की ट्राई कीजिए कि 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, बताओ। सबसे पहले तो इसमें डायरेक्ट हानि लिख दिया गया, तो ये तो कन्फर्म हो गया हानि ही हो रही है। और वैसे भी पता होता भाई, इतने वस्तुओं को बेचने पर इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य ही हमें प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हानि हो रही है। कितने की हानि? जो इन दोनों का जो अंतर होगा वो ही हानि होगी। ठीक है, हानि कैसे निकालते हैं भाई, जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटता है, तो यहां पे 318 में से हमें 212 घटाना है। कितना घटाना है? 212। तो कितना निकल के आ जाएगा यहां पर? 106 निकल के आ जाएगा, कि 106 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 106 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने बेचने पर? 318, क्योंकि विक्रय मूल्य 318 का दिया हुआ है, इसका मतलब 318 वस्तुएं बेची हैं, तो बटे में लिखो 318 और प्रतिशत के लिए 100। यहां से करोगे, 3 से कट गया, 100/3 क्या होता है, 33 सही, 1/3% होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहां पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लाभ ही होगा, आपकी हानि भी होगी, हानि भी हो सकती है। ठीक है, और यहां पर तो डायरेक्ट हानि हो रही थी, आपको कुछ चेक करने की भी आवश्यकता नहीं थी। क्या ये बात समझ में आ गई? ये टाइप सभी को समझ में आ गई ना? आप पेपर में आएगा, आसानी से कर दोगे इस टाइप को? चलो कर दोगे, तो अब इसकी अगली टाइप पे चलते हैं, और वो होने वाली है हमारी टाइप नंबर 6। क्या होने वाली है? ये होने वाली है हमारी टाइप नंबर 6। चलो टाइप नंबर 6 का देखते हैं। टाइप नंबर 6 पे क्या दिया गया है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 575 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 23% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यह हमें बताना है। तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कैसे? कि भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 575 दिया गया है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 575 दिया गया है, इसका मतलब है चाहे लाभ हो रहा हो चाहे हानि हो रही हो, लाभ हो रहा है तो 575 रुपए का हो रहा है, और अगर हानि हो रही है तो भी 575 रुपए की हो रही है। इतना सभी को समझ में आ गया? ठीक है, यदि लाभ प्रतिशत 23% है तो जब आपको लाभ प्रतिशत दे दिया गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ ही हो रहा है, और वो भी कितना बताया अपने को, 23% बताया है। इसका मतलब 23% का मान कितना हो जाएगा, 575 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। अब नीचे कितना लिखोगे या किसका मान निकालना है वो इंपॉर्टेंट है भाई। 1% बराबर तो इसके बटे में आप 23 लिख दोगे, लेकिन मान किसका निकालना है वो इंपॉर्टेंट है। हमसे क्या पूछा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में हम जोड़ के लिखते हैं,
और हानि हो रही होती है 100 में से माइनस करके लिखते हैं। यहां पर लाभ हो रहा है और वो भी 23% का, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य होगा आपका 123। तो जब 23% बराबर 575, 1% बराबर 575 बटे 23, मान किसका निकालना है, अपने को 123 का मान निकालना है। तो बस निकाल दीजिए, एक जिससे कट रहा है काट दीजिए, 23 से काट दो, 23 दूनी 46, ठीक है, कितना बच गया 11, 23 पंजे 5 पे चला जाएगा। अब इन दोनों का गुना कर दो, 25 गुना 123 और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक हिंट देता हूं, ठीक है। वैसे तो देखिए भाई, 25 अगर 100 होता तो 2500 से ज्यादा आएगा, क्योंकि 100 से ज्यादा है ना भाई, 123 से गुना कर रहे हैं तो 100 से ज्यादा से ही गुना कर रहे हैं, तो 2500 से तो ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब यहां पर भी देखो कि भाई, अगर मान लो 100 से तो हमने गुना कर लिया, 2500 आ गया, 20 से और गुना करें अगर इसको, तो कितना आता है, 500 आता है। तो 2500 में 500 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 3000, और 25 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 75, 3075 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी गुना भी कर लेना, ऐसा हार्ड भी नहीं है कि आप गुना ना कर पाओ, आप आराम से इसको गुना भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही आने वाला है, टेंशन मत लीजिए, गुना करोगे तब भी यही आने वाला है। अब इकाई का अंक 5 तो जब देखते, जब सिर्फ 1 में 2 में दिया होता, यहां पर तो 3 में इकाई का अंक 5 दिया गया था, इसलिए हमने चेक ही नहीं किया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, कैसे क्वेश्चन आया वो समझ में आ गया भाई। जब 23% अंतर दिया, 575 अंतर दिया गया था, तो इसका मतलब या तो लाभ या हानि। फिर आगे हमें बता दिया गया कि लाभ है वो भी 23% है, तो 23% का मान निकल के आ गया। अब हमें विक्रय मूल्य पूछा था, तो विक्रय मूल्य वो होता है कि अगर हानि है तो 100 में से माइनस करके, और अगर लाभ है तो 100 में से प्लस करके। तो 100 में से 23% का लाभ था, तो 123 का मान निकालना था। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, जहां पर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि जिनको ए बी दिखता है ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां पर भी ए और बी दिखाई दिया, ठीक है, वो सोचने लग जाते हैं कि ए और बी आ गया, अब इसको सोल्व कैसे करें। बहुत आसान है, आपको बोला कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ए अनुपात बी है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया गया है, ए अनुपात बी दिया गया है, ठीक है। यदि बी ए का 200% है, जो बी है यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य है, ये अपना विक्रय मूल्य हो गया और ये अपना क्रय मूल्य है, इनका अनुपात दिया गया है। तो अब बोला बी ए है, सॉरी बी है वो ए का 200% है, यानी ये है ना, ये इसका 200% है, तो 200% मतलब ये 200 है, ये 100 है, ठीक है, 200% है, ज्यादा नहीं 200% है, तो इसका 100% 100 होता, 200% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो ये 100 है तो ये 200 है। तो हमसे पूछा है तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा, भाई 100 की चीज 200 में बेच रहा है तो लाभ कितने का, 100 का, बटे में क्रय मूल्य कितना, 100, प्रतिशत के लिए गुलाम में कितना, 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 100% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्या सभी को समझ में आ गया, इस 100-100 से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे जैसे भाई, कितना भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि 100 से अलग ही आएगा, तो 100 भी तो आ सकता है, और जरूरी भी नहीं है कि आप इसको 100 ही 200 ही मानो, आप इसको कुछ भी मान सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, इसका 200% होना चाहिए। बस हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा निकालने में आसानी हो जाए, क्या हो जाए, निकालने में आसानी। भाई मान लो कि अगर आप इसको 50 मानते, क्या आंसर नहीं निकलता, बिल्कुल निकलता कि ये 50 है, इसका 200% कितना हो जाता, 100 हो जाता, ठीक है। दोनों का अंतर कितने का, 50 का, तो 50 का लाभ कितने पर, 50 पे, और गुना में क्या करते, 100 करते, इस 50 से ये 50 कट जाता, 100 आपका वैसे भी आंसर आता। चाहे कैसे भी कर लो, कितना भी मान लो भाई, तरीका सही होना चाहिए, बाकी आंसर क्या निकलेगा, अपना सेम ही आंसर निकलने वाला है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ये वाला क्वेश्चन क्या है आपकी एसएससी जीडी के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, ये बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या है कि यदि 1170 रुपए की राशि एबीसी में के बीच गलती से 1/2, 1/3, 1/4 के स्थान पर 2-3-4 के अनुपात में वितरित की गई तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा यह अपने को बताना है। सबसे पहले तो यह बताना है किसको सबसे ज्यादा लाभ मिला, फिर अपने को यह बताना है कि कितना लाभ मिला है, ठीक है। बाकी यह चीज मैं आपको अनुपात में सिखा चुका हूं कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है, बस उसी को यूज करना है और अपना आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे भाई, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटना था, ठीक है, और इसके स्थान पर उसमें बांट दिया, तो इसको लिख लो पहले 1/2, 1/3 और 1/4। इसको सिंपल करेंगे इसको सिंपल करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका जो एलसीएम है उसको ऊपर गुना कर दो, आसान बन जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 12। सभी भाई हर जगह 12 से गुना होगा, अब काटोगे तो अपना आ जाएगा, 2 से काटो 6 पे तो 6 आ गया पहला अनुपात, 3 से काटो 4 पे 4 आ गया, 4 से काटो 3 पे 3 आ गया। यह अनुपात निकल के आ गया, इस अनुपात में बांटना था, लेकिन बांट किस अनुपात में दिया, 2:3:4 में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि कितने कितने रुपए बांटे गए इस हिसाब से, 4-3-7 और 2-9, 9 अनुपात का मान कितना है, 1170 है, 1 अनुपात का मान इसके बटे में आएगा, भाग दीजिए 9 एकम 9, 130, 1 अनुपात का मान आ गया 130। तो इसका मतलब इसको मिलने थे 260, मिले मतलब 260, इसको 390 और इसको 520, ठीक है, इतने मिले हैं। मिलने कितने चाहिए थे, अरे एक जो कंफ्यूजन है ना उसको भी दूर कर देता हूं, पहले बांट लेते हैं, कितना हो गया 10 और 3 13, कितना हो गया 13, तो टोटल कितना है 117 है, 1170 है बटे में 13 है, तो कितने पे जाएगा ये, 90 पे चला जाएगा, यानी 1 का मान 90 आ गया, तो 9 6 54, 9 4 36, 9 3 27, ओके इतना आ गया अपना। क्या है कि बीच गलती से इसके स्थान पर इसमें बांट दिया गया, ठीक है, बांटना था इसमें, यानी कि इतने इतने रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन बांट किसमें दिया, इसमें, यानी इतने इतने रुपए दे दिए गए, तो फायदा किसका हुआ भाई, इसको 270 रुपए मिलने चाहिए थे, आप घटा के देख सकते हो सभी का, ठीक है भाई, इसको 260 मिले हैं, मिलने कितने चाहिए थे इतना, इसका तो नुकसान हुआ है, इसको 360 मिलने चाहिए थे, 390 मिले, 30 रुपए का फायदा हुआ है, इसको 270 मिलने चाहिए थे, मिले कितने 520, मतलब इसका तो काफी ज्यादा फायदा हुआ है। तो सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ, ये जो तीसरे नंबर वाला, और तीसरे नंबर वाला कौन सा था भाई, अपना सी, तो सी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, तो सी ऑप्शन नंबर बी में है अकेले ही, तो यही आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, और करेंगे हम क्योंकि मैं सिखा रहा हूं तो चेक भी करेंगे। कितने का फायदा हुआ, 270 मिले हैं, ठीक है, 270 मिलने चाहिए थे, मिले कितने 520, तो 520 में से 270 माइनस कर लो, इधर से कितना आएगा 250 रुपए फायदा हो गया, 250 रुपए ज्यादा मिल गए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ये देख लेना कौन सा बोला गया कि ये सही था और ये गलत था, इसमें बोला गया था कि बीच गलती से इसके स्थान पर ये बांटा गया, तो मतलब सही वाला तो ये था, ये वाला अनुपात सही था, ये वाला अनुपात गलत था, ठीक है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बी को कितना फायदा या नुकसान हुआ, तो भाई 360 मिलने चाहिए थे, मिले कितने 390, तो 30 का फायदा हुआ, इसका पूछा है कि कितना फायदा हुआ, तो इसको 250 का फायदा हुआ, इसका पूछ सकता था कि इसको कितना नुकसान हुआ, तो 540 में से 260 माइनस करेंगे, यानी कुछ भी पूछे अब हम आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है, ओके। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य
चार और पांच के अनुपात में हो तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा यह हमें बताना है। इसके लाभ का क्या प्रतिशत होने वाला है यह हमें बताना है। चलो बताओ बताओ भाई, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इतना है तो लाभ प्रतिशत बताओ। ये तो बिल्कुल आसान है, क्रय मूल्य चार विक्रय मूल्य पांच, तो इसका मतलब एक का लाभ कितने पे, चार पे गुना में सौ, कितना आ गया 25%। क्या इससे कोई आसान क्वेश्चन हो सकता है? और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने जितने भी करवाए हैं ना, ये सारे आपके SSC के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं लिया जो बाहर से हो, ठीक है। चलो ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है पांचवा, कि क्रय मूल्य इतना है विक्रय मूल्य इतना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये हमें बताना है। तो हमें नहीं, ये आपको बताना है। और आप सभी क्या करोगे, कमेंट करके इसका आंसर बताओगे। सभी क्या करोगे, कमेंट करके इसका आंसर बताओगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही आसान हो चुका है आपके लिए, क्या है कि बहुत ही आसान मैंने आपके लिए बना दिया है, आप आसानी से अब इसको सोल्व कर सकते हो और इसका आंसर कर सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगली टाइप पे, और ये जो टाइप होने वाली है वो हमारी टाइप नंबर 7 होने वाली है। टाइप नंबर 7 होने वाली है और ये टाइप बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है। आज देखता हूं कैसे नहीं आती, बहुत सारे स्टूडेंट इसको सोल्व नहीं कर पाते ना, आज सिखाएंगे आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे, फिर उसके बाद कभी कंफ्यूज नहीं होगे। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर वाला ले नीचे वाला ले, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नग 10 रुपए में बेचता है, तो अपने को बताना है कि दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है यह हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि 10 नग है वो 8 रुपए की खरीद रहा है, 10 नग खरीद रहा है कितने रुपए में खरीद रहा है, 8 रुपए में खरीद रहा है, कितने रुपए में खरीद रहा है ये 8 रुपए में खरीद रहा है। उसके बाद 8 नगों को कितने रुपए में बेच रहा है, 10 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। तो अपने को लाभ प्रतिशत बताना है, आप स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे तो देखिए एक तरीका क्या है, सिंपली कि आप कोई भी एक साइड बराबर कर लो, कोई भी एक साइड बराबर कर लो, आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि भाई आपको क्या करना है, आपको जो नग वाली साइड दी हुई हो, वस्तुओं वाली साइड दी हुई हो, उसको बराबर करना है, रुपए वाली साइड को बराबर नहीं करना। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपको क्लियरली पता होगा कि इतने में खरीदा इतने में बेचा, तो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, और लाभ हो रहा है तो कितने का हो रहा है, बटे में क्या लिखना है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप उधर बराबर कर लेते हो तो बहुत बार इधर आपको कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको हमेशा क्या करने हैं, नग बराबर करने हैं। आप बराबर बराबर करिए, कैसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो जिससे मैं गुना कर रहा हूं उससे आप करो। तो बराबर करने हैं तो आप इसको 5 से गुना कर लो नीचे वाली को, और ऊपर वाली को 4 से, ठीक है। इधर भी 4 से कर रहे हो तो उधर भी 4 से ही करना है, इधर भी 5 से कर रहे हो उधर भी 5 से, 40-40 हो जाएगा। आप 10 से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, 10 से भी कर सकते हो तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया, लेकिन बराबर करना है। तो यहां से कितना आ गया, 40 आ गया, ये यहां से भी कितना आ गया, 40 आ गया, यानी नग बराबर हो गए। अब हमें नग से मतलब नहीं, बराबर हो गए। इधर देखो कितने में खरीदा, 32 में, बेचा कितने में, 50 में, 32 में खरीदा 50 में बेचा, फायदा कितने का, 18 का, कितने पर, 32 पर गुना में 100। लेकिन उधर से करते तो कंफ्यूज होते कि 50 लिखे या 32 लिखे, ये अब पता है कि भाई 32 हमने खरीदे थे, ठीक है, 32 में खरीदा 50 में बेचा, रुपए की बात हो रही है ना, तो 32 रुपए में खरीदा 50 रुपए में बेचा, तो ज्यादा में बेचा है तो लाभ हुआ है कितने का, 18 का, बटे में क्या लिखे, क्रय मूल्य जिसपे खरीदा होता है उसको, और गुना में 100। बस इसको काटेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, और वो हो जाएगा 56.25%, ठीक है। बस कैलकुलेशन करनी है, आप आराम से कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बस गुना ही वो जो कैलकुलेशन है वो ही करनी है, मैं नहीं करके दिखाने वाला आपको, ठीक है। बस काटना है, दो से कट जाएगा, फिर उसके बाद देख लेना किससे क्या कट रहा है, वो आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। चलो अगला क्वेश्चन और देखते हैं उससे और समझ में आएगा आपको। देखिए कि यदि 100 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदता हूं, 100 रुपए में क्या कर रहा है, रुपए कितने हैं, 100 रुपए हैं, और कितनी पुस्तकें खरीदी जा रही हैं, 11 पुस्तकें खरीदी जा रही है, ठीक है। इधर लिखो उधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या है कि रुपए के नीचे रुपए लिख लेना और वस्तुओं के नीचे वस्तु लिख लेना। और 10 पुस्तकें हैं, वो 110 में बेचता है, 110 में बेच रहा है, कितनी पुस्तकें, 10 पुस्तकें बेच रहा है। मैंने क्या बताया था कि अपने को नग बराबर करने हैं, अपने को जो वस्तु है उसको बराबर करना है, तो हम क्या कर ले, इसको 10 से गुना कर लेते हैं और इसको 11 से गुना कर लेते हैं। इधर 11 से करेंगे तो इधर भी 11 से होगा, और इधर 10 से करेंगे तो इधर भी 10 से होगा, वो तो दोनों बराबर हो गए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया, ये 1000 आ गया, इसको गुना करेंगे तो 11 11 कितना होता है, 121 और 0 आ गया। यानी कि 1000 की वस्तु को 1210 में बेचा जा रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 210 का, कितने पर, 1000 पर, गुना में क्या, 100, 30 से 30 कट गई, तो 21% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इधर से समझ में आ गया, बस अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन, सारी चीजें हमने दूर कर दी है, आपकी प्रॉब्लम भी दूर कर दी, आपका कंफ्यूजन भी दूर हो गया। तो अब इसको निकालने की कोशिश करेंगे आप सभी है, अब इस क्वेश्चन को क्या करोगे, निकालने की ट्राई कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि आप निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे। निकालिए कि यदि राजन 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है और 21 रुपए में 20 कलम की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलो मैं थोड़ा लिख देता हूं कि भाई 20 रुपए में क्या है, 21 खरीदता है और 21 रुपए में क्या कर रहा है, 20 बेचता है, ठीक है। तो ये वस्तु है, बराबर कर लो, कैसे होगी बराबर, और कुछ नहीं तो बस डायरेक्ट 20 और 21 से गुना कर दो, यानी नीचे वाली संख्या से ऊपर को और ऊपर वाली संख्या को नीचे से, ठीक है, ऐसे कर लो। इसको 21 से करोगे तो इसको भी 21 से करना पड़ेगा, इसको 20 से किया तो 20 से करना पड़ेगा, 20 से करोगे कितना आ जाएगा, ये 400, 21 से करोगे कितना आ जाएगा, 441, ठीक है। लाभ कितने का हुआ, 41 का, कितने पे हुआ, 400 पे, गुना में 100, 20 से 20 कैंसिल, 4 से काटोगे तो 10.25 आपका आंसर आ जाएगा। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाओगा, ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या बताओ, समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए भाई, कैसे होगा, कोई समस्या है, परेशानी हो ही कैसे सकती है, नहीं होनी चाहिए ना। तो बस चलो अब चलते हैं अगली टाइप पे, और टाइप नंबर 8 का सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है मेरे पास, तो एक क्वेश्चन करवा देता हूं, मोस्टली यही है, वो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, यही है आपके एग्जाम में आता है, जो बार बार अलग अलग तरीके से रिपीट कर दिया जाता है। देखिए, विष्णु ने दो वस्तुएं एक्स और वाई में से प्रत्येक को 600 रुपए में बेचा, ठीक है, ओके, जिसे वस्तु एक्स पर 20% का लाभ हुआ और वस्तु वाई पर 20% की हानि हुई, तो उसकी कुल हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको बेसिक तरीका समझा देता हूं, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। बेसिक तरीका क्या है, प्रत्येक को 600 में बेच रहा है, 600 में इसको भी बेच रहा है, 600 में इसको भी बेच रहा है, लेकिन पहली पे क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ है, यानी जो 600 में बेचा है ना, 20 का लाभ हुआ है, मतलब ये 120 का मान है, क्रय मूल्य निकालना है तो अपने को 100 का मान निकालना पड़ेगा। दूसरे में क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, और अगर 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब ये किसका मान है, 80% का,
क्योंकि हानि को 100 में से माइनस करके लिखते हैं, और हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 100% का मान निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, इसका और इसका क्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा। फिर हमसे पूछा है कि उसके कुल लाभ या हानि बताओ, तो कुल लाभ या हानि हमें बतानी है, ठीक है। पहले निकालते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 से काटा 5 पे, तो इसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 500 रुपए आ गया। कितना आ गया, 500 रुपए आ गया। इधर देखो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 से काटो 150 पे गया, 15 5 75 कितना हो गया, 750 रुपए हो गया। बेचा कितने में भाई, 600 में इसको बेचा, 600 में इसको बेचा, टोटल 1200 रुपए में बेचा था, या 1200 रुपए आप बोल सकते हो। लेकिन खरीदा कितने में था, 1250 में। दोनों को जोड़ लो, आपको पता चल जाएगा कितने में खरीदा था, 1250 में। कितने रुपए की हानि हुई, 50 रुपए की हानि हुई है। प्रतिशत में हमसे पूछा है, तो कोई बात नहीं, 50 रुपए की हानि हुई है, क्रय मूल्य कितना है, 1250 है, और गुना में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 10 से 10 कट गया, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से 5 कट गया, क्या हो जाएगा, 4%। और आप पहले ही पता था हानि हुई है, तो 4% की क्या होगी, हानि होगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया सभी को, क्या हो जाएगा, ये हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बेसिक से कर सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा बन जाता है। क्या बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है। तो छोटे वाले में कैसे करना है, ये ट्रिक पता है कब काम करती है, ठीक है, जब भाई आपका विक्रय मूल्य बराबर दिया गया है, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर दिया गया है तो क्या कर सकते हो, 20 की क्या हो रही है, 20 की क्या हो रही है, हानि हानि। तो माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 20 गुना 20 बटे 100। नहीं समझ में आया, बताता हूं, आपको समझाया था, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, इस वाले का यूज हमने किया। तो यहां से क्या हो गया, ये क्या क्या हो गया आपका यहां पे भाई, क्या है कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ठीक है, ओ सॉरी, ये लाभ था ना, ये लाभ था, तो ये हमने यहां पर मिस्टेक की है, एक सेकंड मैं दोबारा से चेंज करता हूं। पहले में क्या दिया हुआ था, 20% का लाभ है, तो प्लस का 20 रहेगा, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 20 हो गया। फिर माइनस का 20 हानि है, तो माइनस का, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 20 गुना 20 बटे 100, ठीक है, प्लस माइनस है ना, तो लाभ है तो प्लस और हानि है तो माइनस, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। इधर से प्लस के माइनस से ये कैंसिल हो गया, प्लस वाले से माइनस का, क्या बचा, माइनस का 2 दुनी 4, अगर माइनस का बच रहा है तो हानि होगी, और प्लस का बच रहा होता तो लाभ होगा, तो माइनस का बचा है तो हानि होगी, और वो भी कितने प्रतिशत की, 4% की। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो दोस्तों अपनी जो एक क्लास है उसको हम क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन भागना मत, एक चीज बता देता हूं आपको, ठीक है, चलो एक वो फोटो लगा देते हैं, तब तक आपने नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर खत्म हो गया, अभी इसकी 2 टाइप बची हुई है। मैं चाहता तो मैं इस क्लास में भी करवा देता, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट तक क्लास को देख रहे होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई सबको फायदा होना चाहिए। और जो टाइप है वो बार बार एग्जाम में रिपीट होती है, कौन कौन सी, उनकी मैं अलग अलग क्लास करवा दूंगा। एक तो बची हुई आपका बेईमान दुकानदार वाला, ठीक है, बेईमान दुकानदार एक तो ये टाइप है, इसके अलग से क्लास करवा दूंगा क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आती है। दूसरी है आपका चीनी चाय तेल पत्ती कम हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, तो वो वाला, ये 2 टाइप अपनी बची हुई हैं, इनको हम क्या कर लेंगे, एक अलग अलग क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी अच्छी लंबी क्लास करवा दी है ताकि ये 8 टाइप आप सीख जाओ और इनकी आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और मुझे आशा है क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। और भाई अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो इस तरीके की मैराथन क्लासेज आपके लिए आती रहेंगी, वरना फिर छोटी छोटी क्लास तो आपके लिए आती ही रहेंगी, ठीक है। शेयर जरूर कर देना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले
और जो स्टूडेंट चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।